यहाँ पे कलेक्शन के लिए, कलेक्शन में एक फंक्शन दिया हुआ है फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर क्या करता है, जो भी कलेक्शन होता है, कलेक्शन मीन्स कोई भी एरे ऑब्जेक्ट जिसे जो इटरेटेबल हो उसको हमें फिल्टर करना है। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मान लीजिए हमारे पास चार रिकॉर्ड हैं, ठीक है। चार में से किसी कंडीशन में हमें दो ही निकालने हैं, तो उसके लिए फिल्टर यूज कर सकते हैं। फिल्टर जो करेगा वो हमेशा एक नया एरे क्रिएट करेगा, न्यू एरे, ठीक है। तो हमारे आते हैं यहाँ पे, ये रिटर्न द न्यू फिल्टर्ड एरे, हमेशा रिटर्न करेगा न्यू फिल्टर एरे। तो ये हमारा जो है एक कलेक्शन है यूजर, ठीक है। यहाँ पे यूजर का नेम है, एज है, एक्टिव है, ओके। और यहाँ पे फिल्टर लगा है, इसमें कलेक्शन यूजर पास हुआ है, यहाँ पे फंक्शन रिटर्न जो भी ओ डॉट एक्टिव, जो हमारा ओ डॉट एक्टिव मीन्स जो भी एक्टिव नहीं है वो रिकॉर्ड, यानी कि यहाँ से हमारा यूजर फ्रेड वाला रिकॉर्ड हमारा मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं जो यहाँ प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ वो मैं यहाँ से कोड सैंडबॉक्स डॉट आईओ यूज कर रहा हूँ। आप भी इसको गूगल में सर्च करके यहाँ पे जा सकते हैं। डायरेक्ट इसके लिए मुझे कोई एनपीएम या कुछ भी इंस्टॉल करने की या कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। जैसे इम्पोर्ट अंडरस्कोर फ्रॉम लोडेश, ये क्या होता है, जब भी फ्रंट एंड की कोई टेक्नोलॉजी में हम करते हैं तो इस तरह से इम्पोर्ट करते हैं, और रिक्वायर करके नोड जेएस में करना तो रिक्वायर करके, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड के लिए वर्क करता है। तो यहाँ पे हम अपना कोड प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना कलेक्शन वो रख लिया है, ठीक, और यहाँ पे कलेक्शन पास किया है, ये फंक्शन है, और इसमें रिटर्न नोड। तो इसको मैं अलग से एक वेर रिजल्ट रिजल्ट करके ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ, इसमें रिजल्ट रख लिया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे जाता हूँ मैं कंसोल पे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और ये फ्रेड एज 14 फॉल्स, ये देखिए ये हमें रिटर्न कर रहा है, यानी कि इसने इन दो, जो मेरे पास इस ऑब्जेक्ट में दो एंट्री हैं, यूजर बर्ने और यूजर फ्रेड, तो इसने फिल्टर कर दिया, एक नया एरे मुझे दे दिया यूजर फ्रेड मार, कि जिसका भी जो एक्टिव फॉल्स है, ओके। तो पहले मैं कलेक्शन पास कर दिया, दूसरे में हमें ये आइट्रेट करेगा, वन बाय वन सारे चेक करेगा जितने भी रिकॉर्ड होंगे इसमें। फंक्शन ओ मीन्स मैं यहाँ पे यूजर्स, ओ की जगह यूजर ले लेता हूँ, कि वन बाय वन एक यूजर आएगा यहाँ पे इस तरह से, यूजर डॉट एक्टिव, और वो चेक होगा, ठीक है। और इस तरह से हमें यहाँ पे एक एंट्री मिलेगी, तो इस तरह से हमारा फिल्टर हो जाता है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम इसको इस तरह भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं गया और मैंने वेर रिजल्ट ये कर दिया, ठीक है, और ऊपर जो मेरी स्टेटमेंट है इसको कमेंट कर दिया। अब इसमें क्या है, अंडरस्कोर फिल्टर, यहाँ पे मैंने अपना कलेक्शन पास किया, एज 36 और जो एक्टिव है, इस तरह से कि हमने इस तरह से कुछ कंडीशन डाल दी है कि एज जिसकी 36 है और एक्टिव ट्रू है, तो इसमें हमारा जो रिकॉर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, बरने वाला आएगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बरने 36। तो इस तरह से भी हम इसे आइटरेटिवल फंक्शन ना करके सीधी कंडीशंस यहाँ पे मैच करा सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल है इसका, इस तरह से जिस तरह भी आपको प्रोजेक्ट में अच्छा लगे आप उस तरह से यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने यूज किया है, ऊपर मैं इसको कमेंट कर दूंगा, और यहाँ पे देखिए फिल्टर यूजर। और अगर हम इस तरह से एरे में दो वैल्यू की तरह से अगर हम दें, पहले में इसकी की दें और दूसरे में वैल्यू दें, तो ये इस तरह से कंडीशन में काम करता है, ठीक है। एक्टिव इक्वल टू फॉल्स जो होगा वो हमें मिल जाएगा। एक्टिव इक्वल टू फॉल्स कौन सा है हमारा, फ्रेड है, और फ्रेड यहाँ पे मिलना चाहिए हमें, फ्रेड फ्रेड मिल गया है। अब और एग्जाम्पल लास्ट में है एक्टिव, ओके। अगर ये सीधा सीधा यहाँ पे
अगर ये सीधा सीधा यहाँ पे अंडरस्कोर डॉट फिल्टर यहाँ पे कलेक्शन पास करे और यहाँ पे करे एक्टिव, तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि ये एक्टिव जो यहाँ पे काम करता है वो करता है यहाँ पे ट्रू के लिए काम, कि अगर ट्रू होगा इक्वल टू ट्रू तो वो रिकॉर्ड देगा। तो यहाँ से हमारा कौन सा रिकॉर्ड आना चाहिए, बढ़ने वाला, हम चेक करते हैं बढ़ने, ये इसके यूजेस हैं। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में और जैसे भी हम फिल्टर कर सकते हैं। तो आई थिंक फिल्टर आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।